तो हेलो स्टूडेंट, मैं दिया शंकर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्किट थ्योरी की क्लास 10th के अंदर। ये जो आपने लेक्चर है बच्चों, ये एसएससी जेई राजस्थान स्टेट के जो वैकेंसी निकली हुई है, आरएसएम एसएसबी राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और भी जो आप स्टेट के जेईएन का एग्जाम दे रहे हो, डीएमआरसी एनएमआरसी सबके लिए ये वैलिड है। और बच्चों क्लास 9th में थोड़ा इंटरप्शन होने की वजह से मैं आपको पीडीएफ भी अपलोड नहीं कर पाया था, और उसकी पीडीएफ मैं आज आपको इस जस्ट क्लास के बाद क्लास 9th और क्लास 10th एकदम क्लैरिटी वाले पेजेस के साथ पीडीएफ अपलोड करूंगा, क्योंकि क्लास 9th के अंदर पीडीएफ पेजेस की क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो आज जस्ट क्लास के बाद ही मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लें, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अगर मान लो कोई बच्चा है टेलीग्राम चैनल का लिंक किसी का ओपन नहीं हो रहा है तो वो मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकता है, और व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे ही रखा है बच्चों, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर पे आप क्लिक करें, मैसेज करें और मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। और अगर कोई मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। इतना अच्छा कार्टून है तो सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नेटवर्क थ्योरम। आज हमारा लास्ट क्लास है बच्चों नेटवर्क थ्योरम का, और आज के क्लास में मैं एसी सर्किट स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक मैं इसका बता दूंगा, बाकी क्लास 11 से आपका एसी सर्किट मतलब आरएल सर्किट, आरएलसी सर्किट और ये सब रेजोनेंट सर्किट ये सब शुरू हो जाएगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट थ्योरम है बच्चों एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। देखो बच्चों, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं 100% यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और क्वेश्चन बड़ा ही आसान होता है। पहली बात तो इस पेज से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ठीक है। देखो बच्चों, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम यही कहती है कि बच्चों, अगर किसी सर्किट के अंदर किसी लोड से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है तो ये तभी ट्रांसफर हो सकती है अगर लोड रेजिस्टेंस उस सर्किट के इंटरनल रेजिस्टेंस, आप यूं भी कह सकते हो थेवेनिन रेजिस्टेंस के क्या हो, बराबर हो, ठीक है। इसका मतलब किसी भी सर्किट के अंदर मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर होगी अगर लोड रेजिस्टेंस आपका बराबर हो सर्किट के इंटरनल रेजिस्टेंस ब्रांच के या थेवेनिन रेजिस्टेंस ब्रांच के, ठीक है। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या है, PL मैक्सिमम इक्वल टू VTH, VTH मतलब थेवेनिन वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन में 4RTH, ये भी लगा सकते हो या आप जनरली ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछ लेता है थेवेनिन थ्योरम मतलब थेवेनिन पैरामीटर के टर्म में, तो आप ये भी कर सकते हो IL स्क्वायर, ठीक है। जनरली जो फॉर्मूला लगता है वही फॉर्मूला लगा सकते हो IL स्क्वायर RL, ठीक है, या VL स्क्वायर अपॉन RL भी कर सकते हो। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में टोटल ट्रांसफर्ड पावर कितनी होगी बच्चों, देखो अगर ये दोनों बराबर हैं तो एक ब्रांच के अक्रॉस मैक्सिमम पावर है आपका VTH स्क्वायर अपॉन 4RTH, तो दूसरी के अक्रॉस भी वही होगा, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास टोटल ट्रांसफर पावर कितना निकल के आएगा, VTH स्क्वायर अपॉन 2RTH। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन तो बच्चों मैं आपको क्या बताऊं, कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। और एक चीज ध्यान रखें, कोई भी हो, चाहे मशीन हो, पावर सिस्टम हो, कुछ भी हो, कहीं भी अगर ये पूछ ले कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है तो एफिशिएंसी कितनी होगी, तो एफिशिएंसी मिलेगी बच्चों 50%, ठीक है। तो बड़ी बड़ी चीजें मैं बता देता हूँ एग्जाम के लिए, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो तो कोई जरूरी तो है नहीं, और ये वाला इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर होती है सर्किट के अंदर अगर आपका लोड रेजिस्टेंस सर्किट के इंटरनल रेजिस्टेंस या थेवेनिन रेजिस्टेंस के क्या हो, बराबर हो, ठीक है। अगर आपको बच्चों आरटीएच पता है और वीटीएच पता है और आपको मैक्सिमम ट्रांसफर पावर निकालनी है लोड से, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। और टोटल पावर निकालनी है तो बच्चों इन दोनों को जब आप दो बार जोड़ोगे, क्योंकि ये दोनों बराबर है, जितना पावर यहाँ होगा उतना ही पावर यहाँ होगा, तो इन दोनों पावर को जोड़ोगे तो आपके पास पी टोटल मिलेगा वीटीएच स्क्वायर अपॉन 2RTH, ओके। आगे चलते हैं, जैसे अब ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चों,
आरजी वेरिएबल है, देखो वेरिएबल है, दिखाई रखा है, आरजी वेरिएबल है और आरएल आपको 60 ओम दे रखा है, सप्लाई दे रखी है 40 वोल्ट। एसएससी जेई 2010 में आया था, उससे पहले ये इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 1995 के अंदर आया था। तो वेरिएबल है बिटवीन 20 to 80 ओम, कहने का मतलब जो आरजी वैल्यू है बच्चों वो 20 से 80 ओम के बीच में वेरी कर रहा है। तो आपको पूछा है कि मैक्सिमम ट्रांसफर पावर निकालो लोड से, इस लोड से निकालो मैक्सिमम ट्रांसफर पावर। तो अब बच्चे कई जने क्या करेंगे, 20 से 80 वेरी हो रहा है, 20 और 80 वेरी कर रहा है, कई जने क्या करेंगे यहां 60 रख के आंसर निकाल देंगे, है ना, 60 रख के क्या निकाल देंगे, आंसर निकाल देंगे। अब थोड़ा यहां पे ध्यान देना है एक चीज कि सबसे पहले आपको एक चीज पता करनी है, क्योंकि मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर होगी अगर बच्चों ब्रांच से मैक्सिमम करंट जाए, क्योंकि आरएल तो 60 ओम है ये तो फिक्स है। तो मैक्सिमम करंट निकालने के लिए आरजी का वैल्यू महत्व रखता है, क्यों, क्योंकि इस ब्रांच से जब आप करंट निकालोगे बच्चों, इस ब्रांच से करंट निकालोगे तो करंट मैक्सिमम निकालनी है, ठीक है, और करंट आई बराबर होगा वी अपॉन आरजी अपॉन आरएल। अब बात ये आती है बच्चों, अगर नीचे की वैल्यू अगर आप ज्यादा रखोगे तो आईएल मिनिमम आएगा, इसका मतलब बच्चों आरएल तो फिक्स है, इसको तो मैं जितना है उतना ही रखूंगा, लेकिन आरजी को मैं कम से कम वैल्यू रखूंगा ताकि मेरे को आईएल क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा मिले। इसका मतलब मैं 80 तो रख नहीं सकता, इसका मतलब बच्चों आरजी की वैल्यू मैं क्या रखूंगा, 20 ओम रखूंगा, तो मेरे पास आईएल मैक्सिमम आएगा। अगर 80 रखोगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, समझ रहे हो बात को, क्योंकि 80 और 60 कितना होगा 140, 140 से भाग दोगे तो बहुत कम आएगा, इसका मतलब आईएल मैक्सिमम मेरे पास कितना आएगा, 1/2 एम्पियर। अब इस करंट को आप रख दो यहाँ पे, रखने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा और 15 वोट आ जाएगा। कई जने क्या करेंगे बिना सोचे समझे, वो यहाँ पे 60 रख देंगे, भाई 60 नहीं रखना है, आपको मिनिमम वैल्यू रखनी है, क्योंकि जब मैक्सिमम करंट जाएगा इस ब्रांच से तभी तो मैक्सिमम पावर आएगी, ठीक है। तो ये एसएससी जेई 2010 और 1995 का क्वेश्चन है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, सर्किट दे रखा है, इन द नेटवर्क शोन इन फिगर द वैल्यू ऑफ आरएल, आरएल की वैल्यू निकालनी है ताकि मैक्सिमम पॉसिबल पावर ट्रांसफर हो सके। तो देखो बच्चों एक चीज बताऊं, अभी मैंने आपको थ्योरम में बताया था कि आर एल का वैल्यू बराबर होना चाहिए किसके, आर इंटरनल के, और आर इंटरनल को मैं क्या बोल रहा था, आर इंटरनल को मैं बोल रहा था थेवेनिन रेजिस्टेंस। कुल मिला के बात यह है, आपको आर इंटरनल मतलब इस सर्किट का थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है। अब थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, लोड ब्रांच को हटा दो, मतलब ये सर्किट लोड ब्रांच को हटा दो और सोर्स हटा दो, करंट सोर्स है तो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, इसका मतलब ये सर्किट आपका बन जाएगा ऐसे, समझ रहे हो बात को। और ये जो ए और बी टर्मिनल है इनको मैंने ले लिया बाहर, और इनके बीच में आपको क्या निकालना है, आर टी एच निकालना है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का रेजिस्टेंस आर टी एच ही होगा। ये दोनों बच्चों सीरीज में है और ये दोनों भी किस में है, सीरीज में है। अब ये आपस में हो गए पैरेलल में, पैरेलल में हो गए, तो आपने R निकाल लिया, RTH कितना आ गया 6 ओम, इसका मतलब RTH कितना होगा 6 ओम होगा, कहने का मतलब लोड रेजिस्टेंस 6 ओम होगा। और ये SSC JEE 2014 का क्वेश्चन है, समझ गए कहानी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम आती है मिलमैन थ्योरम। तो देखो बच्चों मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, बस आपको थ्योरी वाले पॉइंट याद रखने हैं, आरटीएच निकालना आना चाहिए, मैक्सिमम ट्रांसफर पावर निकालनी आनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। मिलमैन थ्योरम बच्चों 2-3 बार आपके एसएससी एग्जाम में भी आ चुका है और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आता है। मिलमैन थ्योरम बच्चों किसके लिए वैलिड है, जब आप बच्चों आपको ऐसा सर्किट दे दे जब बहुत सारे वोल्टेज सोर्स आपके लगे हों, या बहुत सारे करंट सोर्स भी हो सकते हैं, ये वोल्टेज और करंट सोर्स दोनों के लिए वैलिड होता है, लेकिन ज्यादातर वोल्टेज सोर्स के लिए मतलब किताबों के अंदर ये सब सर्किट वगैरह दिया होता है, ठीक है। तो आप इस पूरे सर्किट को बच्चों एक सोर्स और एक रेजिस्टेंस में बदल सकते हो, जब बहुत सारे सोर्स आपको पैरेलल में दिए हो, जब बदलोगे तो बच्चों V इक्विवेलेंट आएगा और R इक्विवेलेंट आएगा।
वी इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है, वी वन बाई आर वन, वी टू बाई आर टू, वी थ्री बाई आर थ्री, वी एन बाई आर एन, ठीक है। तो ये मैंने ऊपर लिख दिया, उसके बाद में नीचे लिखना है वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर वन। ये आपको पता ही होगा बच्चों, वन अपॉन आर क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। तो कंडक्टेंस के टर्म में लिखोगे वी वन जी वन, वी टू जी टू, वी थ्री जी थ्री, वी एन जी एन, ठीक है, और वन अपॉन आर जी वन जी टू। ये सब आपसे फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछ लेगा। और ये थ्योरम बच्चों दो या दो से ज्यादा सोर्स के लिए वैलिड है, दो सोर्स मिनिमम होने चाहिए। एक सोर्स लगा तो क्या इक्विवेलेंट बनाओगे वही रहेगा बच्चों, समझ रहे हो बात को। इसका मतलब आप इसको इक्विवेलेंट में बदल सकते हो और मिलमैन थ्योरम यहाँ लगती है, ठीक है। थ्योरी का क्वेश्चन भी आ जाएगा तो थोड़ा सा मिलमैन थ्योरम को देखते रहो, ठीक है। अब जैसे एसएससी 2017 में क्वेश्चन आ गया था कि द सर्किट गिवन बिलो, ये सर्किट, वैसे हालांकि ये क्वेश्चन गलत था लेकिन ये क्वेश्चन आ गया था, ये सारे ऑप्शन भी गलत थे, ठीक है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को क्योंकि हमें ऑप्शन तो देखना नहीं। एसएससी 2017 में आया था, द सर्किट गिवन बिलो कैन बी रिड्यूस्ड टू सिंगल सोर्स ऑफ। तो देखो ये चीज सुनो इधर, ये सोर्स है बच्चों, अब ये सर्किट है तो आपको इसको सिंगल सोर्स में बदलना है। अब इन्होंने 15 वोल्ट लिख दिया, 5 वोल्ट लिख दिया, 10 वोल्ट लिख दिया, 15 वोल्ट लिख दिया, सीरीज में R3, R2, R1 लिख दिया, क्या ये सही है क्या नहीं सही है? क्योंकि बच्चों यहाँ पे R1 भी आएगा, R2 भी आएगा, R3 भी आएगा, इसका मतलब क्वेश्चन गलत था, ठीक है। इस सर्किट के अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो ये आएगा। जब आप वी इक्विवेलेंट निकालोगे तो बच्चों V1 बाई R1, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। इसका मतलब ये आ जाएगा V1 बाई R1, तो ये प्लस का ही आएगा। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पोलैरिटी उल्टी हो गई बच्चों, बाकी जो सोर्स है वो प्लस माइनस है, लेकिन ये क्या है, माइनस प्लस है, तो ये माइनस का V बाई R और ये प्लस का V बाई R। तो आप पूरा यहाँ पे रख दो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो कहने का मतलब V इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा कुछ तामझाम, समझ गए कहानी। इसका मतलब कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता, और एसएससी जेई 2017 का क्वेश्चन उमेश पब्लिकेशन से बनाया था, उसमें भी ये ऐसा ही दिया हुआ है, तो इन्होंने भी ऐसे ही दे दिया, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो बच्चों, 2 मिनट का टाइम लो, दो क्वेश्चन है आपके सामने। ट्राई करें ट्राई करें। ओके आंसर आ गए हैं आपके। पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम अनेबल ए नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स टू बी कंबाइंड डायरेक्टली इनटू ए सिंगल वोल्टेज सोर्स। तो सीधी सी बात है बच्चों, मिलमैन थ्योरम ही होगी, बहुत सारे सोर्स लगे होते हैं उनको सिंगल सोर्स में हम बदल लेते हैं। एसएससी 2017 क्वेश्चन, मिलमैन थ्योरम यील्ड्स इक्विवेलेंट, कि मिलमैन थ्योरम का जो इक्विवेलेंट आता है वो किसका आता है बच्चों? तो ये वोल्टेज सोर्स का भी होता है, करंट सोर्स का भी होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है डी आएगा। लेकिन बुक्स के अंदर ज्यादातर वोल्टेज सोर्स का ही सर्किट दिखाया होता है, लेकिन ये करंट सोर्स के लिए भी वैलिड है और वोल्टेज सोर्स के लिए भी वैलिड है। ओके नेक्स्ट। अब ये मिलमैन थ्योरम का सर्किट दे रखा है, IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस 1992 के अंदर आया है। तो आपको इस सर्किट में ये चार ऑप्शन दिए, इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन मैच करता है। ओके तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो V इक्विवेलेंट निकाल लें, वही फॉर्मूला लगेगा, सबकी पोलैरिटी सेम है तो सारे प्लस ही आएंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास निकल के आएगा 3V बाई आर थ्री, 3V बाई
और आर निकल के आएगा 3/r, तो इक्विवेलेंट आपका वी इक्विवेलेंट आ जाएगा वी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, कोई समस्या नहीं। वन अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या होगा, वन अपॉन आर, वन बाई आर, वन बाई आर, तो 3/r आएगा, ये आएगा 1/r, लेकिन R equivalent कितना आएगा बच्चों, R/3। इसका मतलब V वोल्टेज का सोर्स होगा और उसके सीरीज में होगा R/3। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, प्लस माइनस V, तो V वाले बच्चों ये दो ही ऑप्शन है, तो ये D आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो मिलमैन थ्योरम अप्लाई करना सीख ही लिया बच्चों, इस टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता है यहाँ पे मिलमैन थ्योरम से। देखो जो न्यूमेरिकल आएगा बच्चों, या तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर से आएगा, या थेवेनिन से आएगा, या मिलमैन से आएगा, और किसी से नहीं आएगा। अब सुपरपोजिशन से आ गया तो बच्चों आप सुपरपोजिशन लगाओगे तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप अपना केवीएल केसीएल नोडल लगा के भी आंसर निकाल सकते हो। और थेवेनिन मैक्सिमम पावर और मिलमैन से जो क्वेश्चन आएगा, थेवेनिन और मैक्सिमम पावर से यही क्वेश्चन आएगा कि इक्विवेलेंट आरटीएच निकालो, इक्विवेलेंट वीटीएच निकालो। मैक्सिमम पावर का यही क्वेश्चन आएगा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए लोड रेजिस्टेंस कितना होगा, तो वही थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और इसके अंदर बच्चों आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, बस वो फॉर्मूला ही अप्लाई हो रहा है, बाकी सारी चीजें सेम हो रही है, ठीक है। इसके अलावा थ्योरी के क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ से, उन पे ध्यान देना जो मैंने थ्योरी लिखी हुई है, ओके। आगे चलते हैं, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, एक एक थ्योरी का पॉइंट ध्यान रखें। ये जो थ्योरम है बच्चों डिपेंडेंट सोर्स के लिए वैलिड नहीं है, डिपेंडेंट मतलब डायमंड वाले, करंट कंट्रोल करंट सोर्स या वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, इन सब थ्योरम के लिए ये वैलिड नहीं है। वैलिड ओनली फॉर सिंगल सोर्स नेटवर्क, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कई एग्जाम में रिपीट हो चुका है। रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो है बच्चों वो केवल एक ही सोर्स लगा होना चाहिए और वो भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर्किट के अंदर अगर एक ही सोर्स लगा है तभी ये थ्योरम वैलिड होगी। रेसिप्रोसिटी थ्योरम नॉट वैलिड फॉर टाइम वेरियंट सर्किट, मतलब ऐसा सर्किट जिसमें टाइम का फंक्शन हो, मतलब ये डीसी के लिए अप्लाई होगी, एसी सर्किट के लिए अप्लाई नहीं होगी जहां पे टाइम वेरिएंट फंक्शन होगा। वैलिड फॉर लीनियर एंड बाइलेटरल नेटवर्क, ये आपको पता ही है। तो ये चार थ्योरी के पॉइंट है, थ्योरी के पॉइंट क्या कह रहे हैं कि डिपेंडेंट सोर्स के लिए वैलिड नहीं है, वैलिड ओनली फॉर सिंगल सोर्स नेटवर्क, नॉट वैलिड फॉर टाइम वेरियंट, वैलिड फॉर लीनियर एंड बाइलेटरल सर्किट, ओके। नेक्स्ट है बच्चों स्टेटमेंट, देखो रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहती है, देखो मैं आपको बड़ी चीज बता देता हूं। रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये कहती है कि बच्चों द करंट आई इन एनी ब्रांच ऑफ ए नेटवर्क ड्यू टू सिंगल वोल्टेज सोर्स, मान लो कोई सर्किट में सोर्स लगा है ई, ठीक है, और बहुत सारी ब्रांच है बच्चों, जैसे मैंने ये बना दिया, और इस सोर्स के कारण यहां पे कोई करंट जा रहा है आई, ठीक है। पहले सोर्स यहां लगा है, आप ये करंट आई निकालोगे, ठीक है, निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, जहां करंट निकाल रहे थे बच्चों वहां पे इसको रिप्लेस कर दो, और जो करंट आई था उसको यहां पे रिप्लेस कर दो। तब भी जब आप आई कैलकुलेट करोगे तो बच्चों आंसर वही आएगा जो यहाँ पे आया था, यही थ्योरम क्या कहलाएगी, रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहलाएगी। अब एक बात बताओ, क्या न्यूमेरिकल आएगा क्या इस पे, बनेगा ही नहीं भाई, क्योंकि एग्जाम में तो सीधा पूछेगा करंट निकालो, वो ये थोड़ी ना पूछेगा कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम को सेटिस्फाई करो, तो न्यूमेरिकल बनेगा ही नहीं भाई, समझ रहे हो, एग्जाम में न्यूमेरिकल इनसे नहीं बनेगा। चलो देखो आगे, अब जैसे मैंने ये सर्किट दे रखा है, मैं वेरीफाई कर रहा हूँ बच्चों, देखो ये आपको सर्किट दे रखा है, मैं इसमें रेसिप्रोसिटी थ्योरम वेरीफाई कर रहा हूँ। ई सोर्स लगा हुआ है, एक ही सोर्स लगा है तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगेगी। अब मेरे को करंट निकालना है, जब सोर्स यहाँ लगा है तो ये वाला करंट निकालना है, आप निकाल लो बच्चों, नोडल लगा लो। आपने नोडल लगाया तो सबसे पहले यहाँ पे वी आ गया, आ गया वी, कितना आ गया 9 वोल्ट। अब आपको आई निकालना है, तो जब आपको पता है बच्चों कि ये यहाँ पे 9 वोल्ट है तो यहाँ पे पूरी ब्रांच के अक्रॉस 9 वोल्ट ही होगा, क्योंकि यहाँ पैरेलल में पूरा 9 वोल्ट है, ठीक है। तो आई निकाल लोगे, आई कितना आएगा, वी बाई आर, कहने का मतलब 9/6, तो आपका आंसर आएगा 1.5 एम्पियर। बट ये तो हो गया एग्जाम में, एग्जाम में तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक बात ये है बच्चों,
आपने आई निकाला इस कंडीशन में तो 1.5 आया। अब बच्चों इस आई को मैं ले जाऊंगा यहां पे और इस सोर्स को हटा दूंगा, मतलब करंट की डायरेक्शन इधर दिखा दूंगा, और इसको ले जाऊंगा मैं यहां पे। अब थोड़ा ध्यान रखना है, मैंने करंट की डायरेक्शन इधर क्यों दिखाई, क्योंकि बच्चों इस सोर्स के कारण करंट इधर ही जाएगा और यहां पे मेरे को पोलैरिटी इस करंट के अकॉर्डिंग ही इस सोर्स की दिखानी है। तो यहां पे मैं पोलैरिटी दिखा दूंगा माइनस प्लस, क्यों, क्योंकि करंट डाउनवर्ड है और इधर करंट मैंने ऊपर दिखाया है, इसके अकॉर्डिंग नीचे दिखाना चाहिए, नहीं, वो डायरेक्शन इस सोर्स के अकॉर्डिंग होगी और यहाँ पे जब आप वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करोगे तो वो डायरेक्शन इस करंट के अकॉर्डिंग होगी। ओके, तो इन सिचुएशन के अंदर देखो आई क्या आता है, देखो जरा इधर, अब ये मैंने रिप्लेस कर दिया, अगर ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम वैलिड होगी तब ओके है, एनीवेज नो ओके। अब नोडल लगा दो बच्चों वापिस, नोडल लगाया वी अपॉन 12, वी अपॉन 6, वी माइनस से प्लस गए, प्लस का 45 अपॉन में 6 आ गया, आपने कैलकुलेट कर लिया, V आ गया बच्चों माइनस का 18। अब एक बात बताओ, देखो इधर, अब आपको ये करंट निकालना है बच्चों, करंट तो ऊपर की तरफ है लेकिन जब आप नोडल लगाओगे तो आप तो इधर जा रहे थे, इसका मतलब जो I आएगा वो क्या आएगा, माइनस V बाई 12 आएगा, क्या आएगा, माइनस का V बाई 12, क्योंकि आपकी डायरेक्शन और नोडल की डायरेक्शन उल्टी है, इसका मतलब V तो हमें माइनस का 18 दे रखा है, माइनस का 18 आपने रख दिया, माइनस पहले का ही बार था तो प्लस का 3/2 आया, 1.5 एम्पियर आ गया। इसका मतलब ये है बच्चों कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम वैलिड होगी, समझ गए कहानी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आएगा तेलंगन थ्योरम, ये भी थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पहली लाइन ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आएगा, कोई भी लीनियर सर्किट के लिए भी वैलिड है। अब एक चीज ध्यान रखो, अभी तक आपने जितनी भी थ्योरम पढ़ी वो सारी लीनियर के लिए वैलिड थी, लेकिन तेलंगन थ्योरम का पॉइंट देखो, ये नॉन लीनियर के लिए भी वैलिड है। अभी तक आपने थ्योरम पढ़ी वो टाइम वेरिएंट थी, कुछ नहीं थी, लेकिन ये वाली थ्योरम टाइम वेरिएंट के लिए भी वैलिड है और टाइम इनवेरिएंट के लिए भी वैलिड है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो क्या कह रहा है स्टेटमेंट देखो, इन एनी लीनियर, नॉन लीनियर, पैसिव, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट नेटवर्क द एलजेब्रिक सम ऑफ पावर एट एनी गिवन इंस्टेंट इज जीरो। इसका मतलब क्या है बच्चों, कोई भी सर्किट है तो उसके अंदर सर्किट लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर, पैसिव, टाइम वेरिएंट या टाइम इनवेरिएंट। अगर आपको कोई सर्किट दिया है तो उसके अंदर टोटल पावर का सम जीरो होगा। आप यूं भी कह सकते हो कि डिलीवर पावर बराबर होगी एब्जॉर्ब पावर के, क्योंकि जितना डिलीवर करेगा बच्चों एब्जॉर्ब भी उतना ही होगा, कभी ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब वो दोनों बराबर होगी या उन दोनों का सम क्या होगा, जीरो। इसका मतलब दिस थ्योरम इज एविडेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन थ्योरम इज एविडेंट ऑफ डिलीवरिंग पावर विल बी इक्वल टू एब्जॉर्बिंग पावर, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। तो दिस थ्योरम in evident that sum of power delivered to the network is equal to the sum of power absorbed by the network elements, ठीक है। अब जैसे एक example दिया हुआ है आपको, ठीक है, अब थोड़ा देखो मैं यही समझा देता हूं। पहले एक बात बताओ बच्चों, ये वाला जो सोर्स है ये पावर डिलीवर करेगा क्या, पहले 10 वोल्ट का सोर्स बताओ पावर डिलीवर करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, ये बताना है। तो पहले एक चीज देखो, जितनी वोल्टेज बच्चों यहां पे है, अब पैरेलल में है ना सर्किट, तो उतनी वोल्टेज यहां पे होगी, हाँ सर होगी। अगर बच्चों यहां पे होगी तो यहां पे करंट कितना आएगा, तो 10/10 करंट आएगा, 1 एम्पियर, कितना आएगा भाई, 1 एम्पियर करंट आएगा। इसका मतलब बच्चों 1 एम्पियर करंट इस ब्रांच से जा रहा है, थोड़ा ध्यान देना इधर। अगर बच्चों ये 2 एम्पियर करंट है, एक इधर गया, इसका मतलब 1 एम्पियर करंट इधर जाएगा। आपने करंट की डायरेक्शन बना ली, कोई दिक्कत नहीं हुई, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं हुई। अब थोड़ा ध्यान दें, ये वाला करंट अंदर जा रहा है, इसका मतलब पावर एब्जॉर्ब हो रही है, तो अब यहां पे पावर कितनी आएगी,
10 × 1 कितनी आ गई बच्चों, 10 वॉट आ गई। और कैसी पावर है, माइनस की लिखो बच्चों, माइनस का मतलब है एब्जॉर्ब, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे करंट दिया हुआ है तो वोल्टेज कितनी है, 10 है, 10 है। और आपको सीधा पता है बच्चों यहाँ पे पावर डिलीवर हो रही है, तो डिलीवर पावर कितना निकलेगा यहाँ पे, वी इंटू आई, वी कितना है 10 और आई कितना है बच्चों 2, तो कितना हो गया 20 वॉट हो गया, और 20 वॉट डिलीवर कर रहा है तो प्लस का ले लो। अब यहाँ पे पावर कितनी आएगी बच्चों, 1 एम्पियर का करंट है और 10 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है, तो आई स्क्वायर आर लगाओगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 10 वॉट, क्योंकि एब्जॉर्ब हो रही है पावर 10 वॉट। अब थोड़ा ध्यान दो बच्चों, एब्जॉर्ब पावर 10 थी और यहाँ पे भी 10 है, माइनस का 20 और प्लस का 20, टोटल कितनी होगी 0। इसका मतलब डिलीवर पावर विल बी इक्वल टू एब्जॉर्बिंग पावर, समझ रहे हो। ये सॉल्यूशन मैंने आगे भी कर रखा है, देखो इधर। तो यहां से मैंने बता दिया था यहाँ पे करंट कितना जाएगा बच्चों, क्योंकि ये पूरे सर्किट में 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट होगा, तो यहाँ पे करंट निकाल ली 1 एम्पियर। इसका मतलब इस 2 एम्पियर से 1 एम्पियर इधर गया तो 1 इधर गया। अब ये यहाँ पे एंटर कर रहा है 10 वोल्ट में एंटर कर रहा है, तो पावर क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होगी तो माइनस का लिख दो बच्चों। फिर 2 एम्पियर की बात करें बच्चों, ये तो डिलीवर कर रहा है करंट, प्लस माइनस करंट बाहर की तरफ है ना, बाहर की तरफ है तो ये डिलीवर कर रहा है, डिलीवर कितनी कर रहा है 20 वोल्ट। फिर देखो 10 ओम के अंदर बच्चों 1 एम्पियर का करंट एंटर कर रहा है, एंटर कर रहा है तो कितना आएगा 10 वॉट। इसका मतलब एब्जॉर्ब पावर आपके बराबर होगी किसके, डिलीवर पावर के, और यही तेलंगन थ्योरम है। तो ये क्वेश्चन कभी आएगा क्या, कभी आपसे ये पूछेगा न्यूमेरिकल में कि एब्जॉर्ब पावर और डिलीवर सेटिस्फाई करो तेलंगन थ्योरम को, कभी पूछेगा, नहीं पूछेगा। इसका मतलब बच्चों तेलंगन थ्योरम हो गई, रेसिप्रोसिटी थ्योरम हो गई, इनसे केवल न्यूमेरिकल ही, इनसे केवल थ्योरी क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों एसी सर्किट। आज मैं थोड़ा बेसिक बताऊंगा एसी सर्किट का, ठीक है। अब एसी सर्किट में सर हम पढ़ेंगे क्या, तो एसी सर्किट में बच्चों आप सीरीज आरएलसी सर्किट पढ़ोगे, पैरेलल आरएलसी सर्किट पढ़ोगे, ठीक है। इसी के अंदर आप रेजोनेंट सर्किट पढ़ोगे, रेजोनेंट सर्किट, ठीक है, ये सब आप पढ़ोगे। कहने का मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर का बिहेवियर देखोगे, एसी सिग्नल का बिहेवियर देखोगे, ठीक है। तो कुछ मैं बेसिक चीजें बता देता हूँ बच्चों, पहले सिग्नल के बारे में थोड़ी जानकारी बताता हूँ। देखो इधर, कोई भी एसी सिग्नल होता है तो बच्चों वो कुछ इस तरह से लिखा होता है, जैसे मैंने वोल्टेज का ले लिया वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और इसको दिखाने का तरीका ये होता है, ऐसे मतलब साइनोसोइडल सा दिखाते हैं ना, और कई बार ऐसे भी लिखा होता है ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। तो ये सब चीजें लिखी होती है, इनका मतलब क्या है, देखो बच्चों वीएम का मतलब है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब है जब बच्चों आप साइनोसोइडल वेवफॉर्म बनाओगे तो कुछ इस तरह से आएगी क्या, हाँ सर इस तरह से आएगी। तो इसका जो टॉप पॉइंट होता है यही क्या कहलाता है, वीएम कहलाता है, ठीक है। और ये जिसके रिस्पेक्ट में आपने बनाया है ये ओमेगा टी कहलाता है, और ओमेगा टी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब ओमेगा टी पाई, ओमेगा टी 2 पाई। इसका मतलब साइनोसोइडल के एक साइकिल को पूरा होने में 2 पाई टाइम लगता है, ठीक है। तो ओमेगा टी आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और इसकी यूनिट होती है बच्चों रेडियन पर सेकेंड, या ओमेगा बराबर 2 पाई f भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और ओमेगा बराबर आपको पता ही है कि t बराबर क्या होता है, 1/f होता है, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है t बराबर 1/f होता है। तो मैंने कहने का मतलब है कि f का वैल्यू यहाँ पे रखो तो 2 पाई/t आ जाएगा। इसका मतलब t बराबर, T होता है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को हम 2 पाई/ओमेगा भी लिख सकते हैं भाई, यहां से निकाल सकते हो आप 2 पाई/ओमेगा। तो ये तो थी जनरल जानकारी एक सिग्नल के बारे में। अब बच्चों इन सिग्नल को हम दो तरीके से दिखा सकते हैं, आपने जो ये सिग्नल लिखा था अभी वी इक्वल टू वी एम साइन
ओमेगा टी, ठीक है, ये दो सिग्नल, ये सिग्नल है। तो इस सिग्नल को बच्चों आप ओमेगा टी की टर्म में भी लिख सकते हो, आप टाइम की टर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि ओमेगा टी पाई है और टू पाई है। कहने का मतलब ये आधा साइकिल पूरा हो रहा है, आधा साइकिल पूरा हो रहा है तो आधा टाइम पीरियड, पूरा साइकिल पूरा हो रहा है तो पूरा टाइम पीरियड कैपिटल टी आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है ही नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, V1 बराबर Vm sin ओमेगा टी, V2 बराबर Vm sin ओमेगा टी, कुछ इस प्रकार से दिया है। इन सिग्नल को अगर बच्चों मुझे वेव फॉर्म में दिखाना हो तो मैं कैसे दिखाऊंगा? देखो, आप ओमेगा टी की वैल्यू जीरो रखो तो सर साइन जीरो का वैल्यू जीरो, इसका मतलब ये यहां से स्टार्ट हो जाएगी जीरो से। फिर आपने ओमेगा टी की वैल्यू 90 डिग्री रखी तो 90 डिग्री पे मैक्सिमम मिलेगा, ये 90 डिग्री। फिर आप 180 डिग्री रखोगे कितना मिलेगा आपको? जीरो। यहां वैल्यू रखते जाओ ओमेगा की, ठीक है, जीरो। इसका मतलब ये जो सिग्नल आएगा Vm sin ओमेगा टी, ये सिग्नल आपका कुछ ऐसा आएगा। ये सिग्नल आएगा ओमेगा टी, ठीक है। अब बच्चों बात ये आती है कि ये क्या चीज है। देखो बच्चों, ये चीज ये बता रही है कि जो V2 सिग्नल है ना, वो आपका V1 से प्लस का है। तो मतलब आप यूं कहोगे कि जो V2 सिग्नल है वो V1 से फाई एंगल पहले स्टार्ट हुआ है, मतलब ये फेज एंगल है। अब ये 40 डिग्री 45 डिग्री ये कुछ भी हो सकता है, पहले स्टार्ट हुआ है। या आप यूं कह सकते हो कि जो V2 है, V2 जो है वो V1 को लीड कर रहा है। लीड का मतलब पहले स्टार्ट हो रहा है, पहले स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब कई जने क्या करेंगे बच्चों, कई जने क्या करेंगे, जब ये सिग्नल देखेंगे मान लो कि यहाँ प्लस का है, तो वो क्या करेंगे, आगे से शुरू करेंगे। आगे का मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि बच्चों आपका सिग्नल इस सिग्नल से फाई एंगल पहले स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये लीड कर रहा है, पहले स्टार्ट हो रहा है। और अगर यहां माइनस होता तो बाद में स्टार्ट होता फाई एंगल, ठीक है। तो आप वेव फॉर्म में जब ये सिग्नल आगे पीछे ऐसे दिखाए होते हैं तो इनका मतलब यही होता है बच्चों कि कोई सिग्नल पहले स्टार्ट हो रहा होता है और कोई सिग्नल बाद में स्टार्ट हो रहा है। तो प्लस का मतलब है सिग्नल पहले स्टार्ट होगा, अगर यहां माइनस होता है तो सिग्नल समथिंग यहां से स्टार्ट होता है। जैसे मैं दिखा देता हूं, अगर माइनस होता है तो आपका सिग्नल यहां से स्टार्ट होता है। तो आप यहां पे लिख देते हैं माइनस, ठीक है, तो माइनस का मतलब बाद में स्टार्ट हो रहा है। और ये आपका जीरो, मतलब जीरो से स्टार्ट हो रहा है, रेफरेंस है। और प्लस का मतलब है कि ये पहले स्टार्ट होगा, और माइनस का मतलब है कि इतना एंगल बाद में स्टार्ट होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये सिग्नल दे रखा है आपको, बोला एम्पलीट्यूड बताओ, फेज बताओ, फेज एंगल, पीरियड मतलब टाइम पीरियड बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ। तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड तो बच्चों यही हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एम्पलीट्यूड, ठीक है। उसके बाद में फेज डिफरेंस पूछा है तो ये हो जाएगा आपका फेज डिफरेंस 10 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछा है एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा, तो ये जो चीज होती है बच्चों ये ओमेगा ही तो होता है, क्योंकि सिग्नल ऐसे ही तो लिखा होता है ओमेगा टी। और ओमेगा आ गया 50 रेडियन पर सेकंड, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट रेडियन पर सेकंड, सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर पूछा है टाइम पीरियड बताओ, तो टाइम पीरियड होगा 2π/ओमेगा, ओमेगा आपके पास आ गया 50 और पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7, ये आप क्या लिखोगे 3.14, यही लिखोगे। और जब सॉल्व करोगे तो 0.1256 सेकंड आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी 1/t, और 1/t जब रखोगे तो 1/s क्या निकलेगा आपका, हर्ट्ज, या आप यूं भी कह सकते हो साइकिल पर सेकंड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट साइकिल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, ठीक है, या हर्ट्ज लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, एक सिग्नल दिया हुआ है और वही चीजें सेम पूछी है आपसे, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा 30, ओमेगा क्या होगा बच्चों 4π, एम्पलीट्यूड 30 होगा, ओमेगा 4π होगा, और फेज क्या होगा आपका, तो फेज होगा माइनस का 75 डिग्री,
ठीक है। अब ये रेडियन पर सेकंड में लिखना है आपको, रेडियन पर सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड में लिखना है। और टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन 4 पाई, कहने का मतलब 0.5 सेकंड। एफ इक्वल टू 1 अपॉन टी, तो 1 अपॉन 0.5 तो कितना आ जाएगा, 2 हर्ट्ज आ जाएगा। ओके, तो ये तो थी एक जनरल सिग्नल की नॉलेज, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, कुछ एग्जाम में एसएससी में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्या करते हैं, दो सिग्नल दे देते हैं आपको, और सिग्नल देने के बाद पूछते हैं कि बताओ कौन सा सिग्नल लीड कर रहा है और दोनों सिग्नल के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को एक सिमेट्री में दिखाना होता है। सिमेट्री का मतलब है कि अगर एक आपके पास कोस का सिंबल है और दूसरा साइन का है, तो दोनों को एक ही सिंबल में बदलो, या तो कोस में बदलो या साइन में, ठीक है, आपकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैंने बच्चों V1 को उठा लिया, -10 तो आएगा ही आएगा, कोस ओमेगा टी प्लस 50 डिग्री है। क्या बच्चों इस सिग्नल को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, जरा सोच के बताओ, ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। कैसे भाई? अब ये -90 डिग्री कर दिया मैंने, अब इस सिग्नल को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। अगर मैं माइनस का कॉमन ले लूं बच्चों, तो -10 साइन 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी प्लस 50 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? और अब आपको पता है बच्चों कि कोस सॉरी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, सर कोस थीटा होता है, तो ये कोस थीटा आएगा, मतलब वापस आपको इससे ये मिल जाएगा, मिल जाएगा। इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अब ये बताओ 50 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 40 डिग्री। क्या मिलेगा बच्चों? माइनस का 40 डिग्री। ओके, तो बस ऐसे ही करना है। मैंने अब V1 को भी किस में बदल दिया, साइन में, और V2 भी ऑलरेडी साइन में है। अब क्या करना है ये मैं बाद में बताता हूं। देखो इधर आपको कुछ नहीं करना है, एक रेफरेंस ले लो 0 डिग्री। अब बच्चों आपको सिर्फ एंगल देखना है, माइनस का 40 डिग्री है, इसका मतलब बच्चों ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो माइनस के 40 डिग्री पे एक लाइन दिखा दो, ये हो गया माइनस 40 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस 10 डिग्री पे एक लाइन दिखा दो, माइनस 10 डिग्री पे, जीरो को रेफरेंस लेके ये माइनस 10 डिग्री हो गया, ये आपका हो गया V2 और ये हो गया आपका V1। अब बच्चों एक चीज बताओ, जब हम इधर की तरफ जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो लीड करता है, और जब मैं जाऊंगा क्लॉकवाइज तो सिग्नल लैग करेगा। इसका मतलब बच्चों V1 से V2 की तरफ जाऊं तो आप एक चीज बताओ, कौन लीड कर रहा है? V2 लीड कर रहा है, और कितना लीड कर रहा है बच्चों? ये 10 डिग्री था, ठीक है, ये पूरा 40 डिग्री था, तो ये डिफरेंस कितना आया, 40 माइनस 10, कहने का मतलब 30 डिग्री। इसका मतलब V2 जो है वो V1 से 30 डिग्री लीड कर रहा है बच्चों। अब ये क्वेश्चन में देख लो, ये रेफरेंस हो गया 0 डिग्री, ये आपने V2 दिखा दिया माइनस 10 डिग्री, और फिर आपने V1 दिखा दिया माइनस 40 डिग्री। अब बच्चों माइनस के सिंबल पे नहीं जाना है, आप तो ये देखो 40 में से 10 गया, कितना बचेगा, 30 बचेगा। इसका मतलब आप ये कहोगे V2 आगे है, V1 पीछे है। जब इधर जाओगे तो आप ये बोलोगे कि V2 जो है वो लीड कर रहा है V1 से कितना, 30 डिग्री। इसका मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री फेज डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन SSC एग्जाम में आता रहता है बच्चों, आप देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये SSC का ही क्वेश्चन है, दो सिग्नल दे दिए V1 और V2, लेकिन अब की बार हमें कुछ बदलना नहीं है क्योंकि दोनों ही साइन में दे दिए, बस तो कुछ नहीं करना, रेफरेंस लाइन लो, एक है प्लस का 45 डिग्री तो आगे दिखा दो बच्चों, प्लस का 45 मतलब ऊपर, इसका मतलब V1 यहां पे आएगा, ये 45 डिग्री, कितना एंगल हो गया 45। फिर दूसरा क्या है, माइनस 10 डिग्री है, तो माइनस 10 डिग्री है तो बच्चों पीछे ले लो, ये कितना हो जाएगा, माइनस 10 डिग्री, सही है।
अब दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस हो गया, 45 और 10 55। इसका मतलब बच्चों V1 जो है वो V2 से लीड कर रहा है, कितना लीड कर रहा है, 55 डिग्री लीड कर रहा है। ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, I1 इक्वल टू माइनस कोस ओमेगा टी प्लस 55 डिग्री और I2 आपको दे रखा है साइन ओमेगा टी माइनस 65 डिग्री। तो कुछ नहीं करना, कोस को साइन में बदलना है बच्चों, तो वही तरीका अप्लाई करूंगा मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, ये कुछ नहीं है, ये प्लस ही है। ठीक है, तो 10 साइन ओमेगा टी प्लस 55 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना इस चीज को। क्यों? क्योंकि बच्चों आप जब ये माइनस कॉमन लोगे तो माइनस आएगा बाहर, माइनस 10 साइन और अंदर बनेगा आपका 90 डिग्री प्लस का, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है। फिर आपके पास बचेगा माइनस ओमेगा टी प्लस 55 डिग्री, है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ओके, तो आप लिख सकते हैं। तो वैसे आपने बदल लिया बच्चों सिग्नल में, तो ये आपके पास आ गया I1 और I2। अब कुछ नहीं है, रेफरेंस लो, ये रेफरेंस हो गया, I1 दिखा दो माइनस 35 डिग्री नीचे की तरफ, माइनस 35, ये माइनस 65 है तो यहाँ आ जाएगा माइनस 65। अब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है, सर 30 डिग्री का आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, I1 लीड करेगा I2 को किससे, 30 डिग्री से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब अगेन आपको साइन और कोस में दे दिया है, तो आप कोस को साइन में बदल लो या साइन को कोस में बदल लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो जैसे मैंने तो इसको बदला है, बाकी आप इसको ही बदल सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो V2 बराबर 2 साइन ओमेगा टी माइनस 10 डिग्री है ना, तो माइनस 90 डिग्री, तो ये बनेगा टोटल आपका माइनस का 100 डिग्री, समझ रहे हो, इसको प्लस 40 डिग्री दिखाओ, इसको माइनस 100 डिग्री दिखाओ। ठीक है, तो ऐसे आप दिखा सकते हो जैसा भी आपको ठीक लगे। ओके, तो आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन, आप कर लेंगे आसानी से, ये मैंने सॉल्यूशन वैसे दिखा ही रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ओके, तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास, और मैंने अभी बेसिक बताया एसी सर्किट का, और कल हम पढ़ेंगे सीरीज आरएलसी सर्किट वगैरह और रेजोनेंट सर्किट वगैरह की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो कल के लिए थैंक यू, और ये जो नोट्स है बच्चों आज ही मैं अपलोड कर दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पे। ओके, थैंक यू।